हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रदोष राशिद खान और आप देख रहे हैं खान यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं धान की कटाई। इस वक्त धान की कटाई बहुत ज़ोरों से चल रही है, हर जगह पर धान काटे जा रहे हैं। तो कहीं पर मशीन से धान की कटाई हो रही है तो कहीं पर हाथ से धान की कटाई हो रही है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हसिया से कैसे धान काटे जाते हैं। तो मेरे पीछे खेत है, वहाँ पर इस वक्त धान की कटाई हो रही है, तो चल रहे हैं वहीं पर। तो दिखाते हैं आपको कि हसिया से धान कैसे काटे जाते हैं और इसके बाद आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि धान कैसे निकाले जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर धान की कटाई हो रही है और ये हसिए की मदद से धान काटे जा रहे हैं। वैसे आज भी बहुत जगह पर मशीन से धान की कटाई होती है, लेकिन जहाँ पर मशीन नहीं पहुँच पाती या रास्ते बहुत ख़राब होते हैं तो वहाँ पर किसान हाथ से ही धान को काटते हैं। तो वैसा हाल यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो मशीनें धान कटिंग की होती हैं वो नहीं आ पाती हैं, तो जो किसान यहाँ के हैं वो मजबूरी में अपने हाथों से ही खुद मेहनत करके धान को काटते हैं। और दोस्तों, ये जो धान जो कटिंग हो रही है, ये देख सकते हैं पूरे खेत में एक लाइन से बिछाते चले जा रहे हैं। और जब ये 3-4 दिन पड़े रहेंगे खेत में, उसके बाद ये सूख जाते हैं धान, तब ये धान निकाले जाएंगे। तो कहीं पर थ्रेसर से निकाले जाते हैं तो कहीं पर देसी तरीके से निकाले जाते हैं। तो वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से धान निकाले जाते हैं। पहले अभी यहाँ पर कटिंग हो जाए धान की और ये 3 से 4 दिन तक ऐसे ही खेत में पड़े रहेंगे, उसके बाद ये निकाले जाएंगे। दोस्तों, जो धान की जो कटिंग होती है ये बहुत ही सावधानी के साथ की जाती है, क्योंकि हसिया की जो धार होती बहुत तेज़ होती है, अगर उंगली में लग गई तो तुरंत उंगली कट जाती है। लेकिन यहाँ जो किसान होते हैं उनकी आदत पड़ी होती है और वो अच्छे से धान को काट लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से किसान कटिंग कर रहे हैं, धान काटे जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो धान की जो बालियां हैं इनसे भूसी छुटती रहती है, तो जो किसान जो कटिंग कर रहे हैं इनके हाथों में खुजली भी होने लगती है। और ये धान कटिंग के बाद किसान इस खेत को बचाएंगे, क्योंकि ये धान 3 से 4 दिन तक खेत में पड़े रहेंगे, सूखेंगे, तो रात में आकर किसान खेत को बचाते हैं ताकि कोई जानवर आकर फसल को बर्बाद ना करे, खा ना ले, तो उसे भी इनको बचाना पड़ता है। और इस वक्त काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है और धान के खेत में थोड़ी कमस भी लगती है, तो डबल हो जाता है ना इसमें कि पहले ऊपर से गर्मी और धूप और ऊपर से कमस होना और फिर ऊपर से ये जो बालियों की जो छुटती है भूसी, उससे हाथों में खुजली भी होने लगती है, तो काफ़ी मेहनत लगती है किसानों को। तो दोस्तों, कैसे लगी आप लोगों को धान की कटिंग की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और दिखाते हैं कि किस तरीके से धान निकाले जाते हैं, थ्रेसर से या देसी तरीके से। तो आने वाली वीडियो भी आप लोग देखना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।